हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ फर्स्ट चैप्टर इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फाइंड आउट अ पार्टिकुलर प्लेस ऑन अ ग्लोब विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। द लाइंस ऑफ अ ग्लोब, द अर्थ एज वी नो इज ह्यूज इफ वी वॉन्ट टू टेल समवन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ दिस वास्ट स्फीयर, हाउ विल डू इट। अगर हम किसी पार्टिकुलर प्लेस को ग्लोब में प्रदर्शित करते हैं, ग्लोब के माध्यम से जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर ये स्थान कहाँ पर है, तो एक ग्रिड सिस्टम के माध्यम से हम जानते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड। तो इसे जान एज वी शा इन द एक्टिविटी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत में एक एक्टिविटी दी गई है कि अगर हम किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो किसी पार्टिकुलर सीट को कैसे देखते हैं। उसमें तो कलर्स किए हैं डिफरेंट, वाइट एंड सॉरी रेड एंड ग्रीन। उसके माध्यम से बताया गया कि हम कैसे अपनी सीट को ढूंढते हैं। शो टू लोकेट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी यूज अ ग्रिड मेड अप ऑफ टू सेट्स इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जैसा कि उसमें दो अलग अलग रंगों से बताया गया है कि हम कैसे अपनी सीट को प्राप्त करते हैं, रेड और ग्रीन के माध्यम से, वैसे ही दो तरीके की लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उससे जो ग्रिड बनता है उसी के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि कोई पार्टिकुलर प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, स्थित है। द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड, लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन अक्रॉस द ग्लोब इन एन एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खिंची होती हैं। दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर, तो ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। द इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द लाइंस। तो इक्वेटर क्या है? मिडल ऑफ द अर्थ। इक्वेटर क्या है? ये पृथ्वी का सबसे उभरा हुआ भाग होता है जो कि एक घेरा बना देता है, सर्किल बना देता है। जैसा कि आपने गेंद में देखा होगा, जो क्रिकेट की बॉल होती है उसमें देखेंगे आप तो एक सबसे उभरा हुआ भाग आपको दिखाई पड़ेगा। देयरफॉर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स। द इक्वेटर इज द जीरो डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो जीरो डिग्री लैटिट्यूड होता है और उसी के पैरेलल अन्य लाइनें खिंची होती हैं। फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड मार्क द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड की जो लाइनें होती हैं इक्वेटर से आप नॉर्थ में और साउथ में, जो अप साइड होता है वो नॉर्थ होता है, जो डाउन साइड होता है वो साउथ होता है। तो उसमें 90-90 लाइंस होती हैं। पैरेलल्स आर नंबर्ड फ्रॉम द इक्वेटर जीरो डिग्री, दे इनक्रीज द वैल्यू एज दे मूव नॉर्थ एंड साउथ अवे फ्रॉम द इक्वेटर टिल दे रीच द पोल्स। तो जैसे जैसे हम पोल्स पे पहुँचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटर जीरो डिग्री होता है, उसके बाद में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बढ़ते चला जाता है और नॉर्थ में 90 तक एंड पॉइंट हो जाता है और साउथ में भी 0 to 90 डिग्री होता है। द पैरेलल्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नंबर्ड
डिग्री एन एंड द पैरेलल्स ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर नंबर डिग्री एस. द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल्स इज 90 डिग्री एस. द पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. एक लाइन से दूसरे लाइन के जो बीच की दूरी होती है वो पैरेलल होती है. दे फ्रॉम कंप्लीट सर्किल विद डिक्रीज इन साइज एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट पॉइंट. तो जो नॉर्थ और साउथ पोल की ओर जाते हैं तो आप ऊपर देखेंगे कि कम जगह होती है. तो ऐसे करते करते इसमें जो लाइन्स होती हैं उनकी एक जो वृत्त बनता है वो छोटा पड़ता चला जाता है. देयर आर 180 ऑफ लेटीट्यूड्स इन ऑल. 90 ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, 90 ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाल्व्स ऑफ हेमिस्फीयर, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो जीरो डिग्री जो होता है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर. द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड. तो इसमें लेटीट्यूड की जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती हैं वो हैं, नंबर वन द इक्वेटर ऑफ द जीरो डिग्री लेटीट्यूड. सेकेंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ. फोर्थ नंबर हैं द आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ. और फिफ्थ नंबर है द अटलांटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ. जैसा कि एक चित्र दिया गया है इसे आप, इस फिगर को आप अपनी कॉपी पर बनाइए और इसमें जो इंडिकेटेड सर्कल्स हैं इसे भी पॉइंट आउट कीजिए. थैंक यू.